हाय एवरीवन, आई एम सरक शाह ज़ेब। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लास वर्ल्ड। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर जो कोई भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों ने न्यू टेक्स्ट हटा देना है और अपना मेरा भाई यहाँ पर नेम टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर आज नेम टाइप करूँगा फिर से सारा। लिखने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। माई फॉन्ट में आकर आप लोगों ने फॉन्ट चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियोज़ बनाई हुई है, तकरीबन एक नहीं दो वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने का नहीं पता तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो वो वीडियोज़ आप भाई देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है और इसमें स्पेसिंग भी भाई दे लेनी है, ठीक है। तकरीबन 7 पॉइंट तक स्पेस देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है। आपके नेम पे डिपेंड करता है, उसमें अगर ज़्यादा की ज़रूरत हो तो ज़्यादा दे लेनी है, अगर कम की हो तो कम दे लेनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना कि यहाँ पर आ जाना है शेप में, और यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पर डॉट ले लेने, और आप लोगों ने आ जाना स्ट्रोक में और इसको अनेबल कर लेना है, और तकरीबन 5 पॉइंट तक स्ट्रोक बढ़ा लेनी है, और इस डॉट को आप लोगों ने इस नेम के मिडल में एडजस्टमेंट कर लेना है। तो अब मैं जल्दी जल्दी सारे वर्ड में कर लूँगा। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर सारे वर्ड में मैंने कर लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इनको मतलब एक लेयर में कन्वर्ट कर लेना, इन डॉट को और इस नेम सारा वाले को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने फिर अरेज कलर में आना, इसको अनेबल कर लेना है, 1 पे क्लिक करके इसको यहाँ पर लेना है और ओके कर देना है। टॉलरेंस फोल कर देनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने मिडल में आना है, सॉरी इस सर्कल में आना है, और यहाँ पर इंपोर्ट करना है एक PNG, वो मैं जल्दी जल्दी मैं ऐड कर दूँगा। तो बाकी ये वाला PNG है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि इसका बैकग्राउंड कैसे खत्म करना है। इस कलर मैंने 1 पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पर ले आना है, ओके कर देना है, टॉलरेंस फॉलो कर देनी है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने पकड़कर यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने शेप में आना, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। कार्ड में आना, सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसको आप लोगों ने अल्ट्रा क्वालिटी में लाकर सेव टू गैलरी कर लेना है। अब आप लोगों ने आना अडोब फोटोशॉप टच ऐप में। अब मैं यहाँ पर अडोब फोटोशॉप टच में आगे, आप लोगों ने यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, फोटो लाइब्रेरी में आना और वो फोल्डर ढूंढ लेना जिसमें आपकी पिक पड़ी, तो मैं जल्दी जल्दी मैं पिक ऐड कर लेता हूँ। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने पिक ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने फिर प्लस पर क्लिक करना है, इस प्लस पे आना है, फोटो लेयर में आना और यहाँ पर भाई अपना नेम ऐड कर लेना है। यहाँ पर पिक स्लैब वाला फोल्डर आप लोगों ने ढूंढ लेना है जिसमें आप लोगों ने सारा वाला नेम ऐड किया और इसको यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। बाकी यार मेरे दो और चैनल है, एक जरक एडिट के नेम से और एक जरक शाह ज़ेब के नेम से। अगर उनका भी आप विजिट करना चाहें, तो आप वीडियोज़ देखना चाहें, तो आप भाई देख सकते हैं, ठीक है। तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर भी मैं डेली की बेस पे काम करता हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि फर्स्ट लेयर के 2 डुप्लीकेट लेयर कर लें, टोटल 3 लेयर होगी। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है, बेसिक में आना है और लैटिंग में आ जाना है। इस एरो को पकड़ कर ऊपर ले जाना है और टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है और इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर में आ जाना है, FX में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आना है। इसकी ये सेटिंग रख लेनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे वाली लेयर में आ जाना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। यहाँ पर 45 पे इसका ब्लर और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 45 पे कर लेनी है। एंगल पहला 180 और जो दूसरा एंगल है ये आप लोगों ने 45 पे कर लेना है, और जो तीसरा एंगल है ये आप लोगों ने कितना कर देना है, 135 पे कर देना है। फिर 2 लाइन्स पे आना है और यहाँ पर कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की आप लोगों ने ये वाली सेटिंग रख लेनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफार्म में आना है और इस एक्सपेंड पे आना है और इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, सेकंड लेयर में आ जाना है और एम्प्टी लेयर ले लेनी है, और एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना, टाइप पर क्लिक करके आप लोगों ने स्ट्रोक ले लेनी है, और इसकी जो वेथ है ना जी आप लोगों ने मेरा भाई 10 पॉइंट तक रख लेनी है और पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। फिर FX में आना है और बेवल में आना है। ब्लर आप लोगों ने 15 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये भी 15 पे कर लेनी है। एंगल पहला 180 और जो दूसरा एंगल है ये कितना 45 पे कर देना है आप लोगों ने। इतना होने के बाद आप लोगों ने जो तीसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 135 पे कर लेना है। यहाँ तक होने के बाद 2 लाइन्स पे आना है, कर्ज की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है और टेक कर देना है। फिर आप लोगों ने FX में आना और शेडो में आ जाना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसको ऊपर कर देना है, FX में आना है, फोटो में आना और सनी आफ्टरनून में आ जाना है। ये वाली मतलब सेटिंग आप लोगों ने रख लेनी है। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट डे लेयर में आ जाना है, FX में आना है, बेसिक में आना है और ग्लो में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने 0.6 ब्लर कर लेना है और कलर सिंपली वाइट कर लेना है, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस मिडिल वाले को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट करना है, मोड को इस हालत में ही रहने देना है और इस डॉट को सिलेक्ट कर देना है। एंड वाले ऑप्शन में आना है
फेल एंड स्ट्रोक में आके आप लोगों ने यहाँ पर फेल पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी कलर रख लेना था, आप जल्दी जल्दी में मैं कर लूँगा। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर डॉट पर मैंने कर दिया। अब आप लोगों ने करना है कि इसी मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट रखना है, मोड इस दफ़ा प्लस कर लेना है और जो जो पार्ट आप मतलब सेलेक्ट करना चाहिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको करूँगा और बाकी यहाँ पर इसको करूँगा और यहाँ पर मैं इसको करूँगा। इतना होने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, एंड वाले ऑप्शन में ना फेल एंड स्ट्रोक में ना टाइप पर क्लिक करके आप लोगों ने नॉइज लेना है, कलर आप लोगों ने वाइट कर देना है। इसकी जो अमाउंट है ना ये आप लोगों ने तकरीबन 20 तक कर लेनी है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने करना है क्या, फिर आप लोगों ने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर देना है। ये वाला पार्ट जैसे ही आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, अगला तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर सेकंड लेयर में, ठीक है। सेकंड लेयर में आने के बाद आप लोगों ने टू लाइन्स पे आना है और टेम्परेचर में आना है, इसको फुल कर देना है। एक दफ़ा हो गया, तकरीबन 4 या 5 दफ़ा आप लोगों ने लगा लेना है। 2 दफ़ा हो गया और ये 3 दफ़ा हो गया और ये 4 दफ़ा हो गया और ये 5 दफ़ा हो गया, ठीक है। आप काम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने ये मतलब जो सेटिंग यहाँ पे की, ये ऊपर शेप पर भी यही सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारी एक लाइट रहती है, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आप लोगों को लगा कर दिखाई हुई है, ठीक है। वो भी आप भाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एक और हमारा स्टेप यहाँ पर रहता है, आप लोगों ने इसी मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करना है और इस कलर वाले को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने फिर करना है कि यहाँ पर मार्की सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेना है और मोड मैनेज कर लेना है और इसको यहाँ पर आप लोगों ने उतार देना है और इसको यहाँ पर कर लेना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट रखना है, एंड वाले ऑप्शन मैंने और ग्रेडिएंट सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। क्या ग्रेडिएंट आप लोग कोई भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप भाई यहाँ पर कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके के साथ। यहाँ पर मैं ग्रीन करूँगा और इस पर मैं पर्पल कर दूँगा, ठीक है। और रेड की जगह यहाँ पर आप लोगों ने कोई और कलर रख लेना है, सियान रख लेना है। तो अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने ये ग्रेडिएंट जो है ना इसको आप मतलब छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहें आप भाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बना लेना है। तो इस तरह से आप सारे वर्ड में भाई ग्रेडिएंट भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फैंडी वीडियोस तैयार होगी, तो आप लोगों ने डन पे क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है। आप लोगों ने शेयर में आना, सेव टू गैलरी में आना, पीएनजी में रखकर इसको सेव कर देना। फ्रेंड आज की मेरी बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।